दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। हमारे बेबी किचन एंड हेल्थ टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आशा रानी आज आपके लिए बहुत ही जबरदस्त टॉपिक लेकर आई हूँ, जो हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए और हाई बीपी वालों के लिए, और जैसे कि दर्द होता है, कहीं भी दर्द हो शरीर में, उसके लिए आज हम एक बहुत ही जबरदस्त उपाय लेकर आए हैं, जो है मेथी की सब्जी, दाने वाली मेथी की सब्जी। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पूरी वीडियो देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और शुगर वाले भाई बहनों से विनती करती हूँ, सैर जरूर करें 45 मिनट सुबह, 45 मिनट शाम को, और अपने खान पान का ध्यान रखें। अगर आप सैर करते, आप देखेंगे आधे से ज्यादा शुगर आपकी सैर करने से कंट्रोल होगी, इसलिए सैर करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे पहले सामग्री जान लेते हैं, हमें क्या क्या चाहिए दाने वाली मेथी की सब्जी के लिए। ये देखिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा जो हमने किस कर रखा हुआ है, 2 हरी मिर्च जो बारीक काट के रखी हुई है, 4-5 कलियां लहसुन की, ये भी हमने बारीक काट के रखी हुई है, और यह कड़ी पत्ता जो हमने धोकर रखा हुआ है, 1 बारीक कटी हुई प्याज, ये 4-5 बादाम, और ये किशमिश 5-7, और ये काजू के बारीक बारीक टुकड़े जो हमने थोड़ा इनको तोड़ के रखा हुआ है, और ये हींग, ये 1 कटोरी दही, और ये 1 कटोरी मेथी, सूखी मेथी जो दाने वाली मेथी होती है, ये देखिए, और ये जीरा साबुत, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये नमक, और ये तड़के के लिए तेल, सरसों का तेल। अब क्या करते हैं, ये देखिए, मेथी को सबसे पहले पानी में भिगोते हैं। ये हमने मेथी को पानी में भिगो कर रखा है, भिगोना इसलिए है ताकि मेथी अच्छे से फूल सके, इसको उबालना नहीं है, सिर्फ पानी में भिगोना है। कई महीने क्या करती है, मेथी उबालती है उसके बाद सब्जी बनाती है। अगर हम मेथी को उबाल लेते हैं, जो भी इसका पोषक तत्व है वो सारा निकल जाता है, मेथी की सारी ताकत निकल जाती है, इसलिए इसको उबालना नहीं है, सिर्फ पानी में भिगोना। हमने इसको 10-12 घंटे पहले पानी में भिगोया था, अब देखना ये फूल चुकी है, और ये जैसे 1 कटोरी थी फूलकर काफी हो जाती है। अब सबसे पहले इसका पानी निकालते हैं, वैसे तो हमने धो करके इसको भिगोया था, लेकिन अब इसका पानी निकालते हैं। ये देखिए, इसका पूरा पानी निकाल देना है ऐसे, अब पानी निकालने के बाद एक बार और धो लेते हैं। अब इसमें पानी डालते हैं, एक बार फिर से धो लेते हैं अच्छे से, और ये भी पानी निकाल देते हैं, और देखना दाने वाली मेथी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, और बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, और इसका उबालना भी नहीं। आप एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करके देखिए। और अब हम गैस ऑन करते हैं, और गैस पर कढ़ाई रखते हैं, देखिए गैस पर कढ़ाई रखते हैं, और इसमें तेल डालते हैं, इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म होता है, हम दही को थोड़ा फेंट लेते हैं, देखिए दही को फेंट लेते हैं अच्छी तरह से, ऐसे अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं, देखिए अच्छे से। अब देखिए हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है, अब इसमें हम हींग डालते हैं, थोड़ा सा हींग डालते हैं, और इसके बाद 1/2 छोटा चम्मच जीरा डालते हैं, साबुत जीरा। अब जीरा ब्राउन होने के बाद इसमें हम कड़ी पत्ता डालते हैं, ये देखिए ऐसे तोड़ करके डालते हैं 2-4 पत्ते। अब इसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन डालते हैं, और बारीक कटा हुआ अदरक जो हमने पीसकर रखा हुआ है। अब इसके बाद इसमें 1 बारीक कटी प्याज डालते हैं, अब इसको अच्छे से हल्का ब्राउन कर लेते हैं, ये देखिए। अब इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालते हैं,
अब इसके बाद आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डालते हैं, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं ऐसे। और देखिए हमारा छौंक बिल्कुल तैयार है। अब इसमें हम जो हमने भिगोकर मेथी रखी हुई है, दाने वाली मेथी, ये देखिए इसको इसमें डाल देते हैं, सारे डाल देंगे। जितनी आप बनाना चाहते हैं उतनी बनाइए, लेकिन रात को पहले इसको भिगो देना है, 10-12 घंटे अच्छे से भिगो कर रखना है। अब इसके बाद हम इसमें मिर्ची पाउडर डालते हैं, आधा छोटा चम्मच डालते हैं। पहले हमने तो हरी मिर्च काट के डाली है, आप स्वाद के हिसाब से डालिए। और नमक भी स्वाद अनुसार डालते हैं, इसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम देखिए किशमिश डालते हैं, और ये काजू जो हमने बारीक करके रखी है इसको फिर से मिलाते हैं ऐसे ही। और ये देखिए बादाम के दो दो पीस बनाने ऐसे फिर डालने, दो दो पीस बना लेते हैं और फिर डालते हैं ऐसे। अच्छे से भूनते हैं, ये देखिए। और शुगर वालों के लिए तो ये बहुत ही लाभदायक होती है, और हाई बीपी वालों के लिए भी। अब इसके बाद ये दही जो हमने फेंट करके रखी हुई है, ये देखिए अब इसको इसमें डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा पकाते हैं, ऐसे चलाते रहते हैं ऐसे, अच्छी तरह से ऐसे चलाते रहिए। और देखिए, और जैसे बाई का दर्द होता है, कहीं भी दर्द हो बाई का, उनके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है, इसलिए दाने वाली मेथी की सब्जी जरूर खाइए। मेथी वैसे भी इस्तेमाल करते हैं सब्जियों में खाने में, लेकिन अगर आप इसकी सब्जी खाते हैं तो देखना आपको बाई में, शुगर में और हाई बीपी में तुरंत आराम मिलेगा। और ये देखिए मेथी की सब्जी, वैसे तो इसको हर कोई खा सकता है, सबके लिए अच्छी है, लेकिन शुगर वालों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जैसे मेथी के लड्डू बनाते हैं, मेथी के बर्फी बनाते हैं, चक्के बनाते हैं, लेकिन शुगर वाले लड्डू नहीं खा सकते क्योंकि इसमें मीठा डलता है। इसलिए आप ऐसे सूखी मेथी की सब्जी बनाइए और खाइए, ये आपका स्वाद बढ़ाएगी और आपको आराम भी देगी। अब गैस बंद कर देते हैं, उसको परोसते हैं। और ये देखिए हमारी दाने वाली मेथी की सब्जी बिल्कुल तैयार है। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर बने रहिए, और घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और हमारे भाई बहन अपना ख्याल रखें, और जय माता दोस्तों।